एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एनबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कायद आजम ट्रॉफी के चौथे राउंड का आगाज हो चुका है। चौथे राउंड के मैच में बलूचिस्तान का मुकाबला नॉर्दर्न से है। आज के दिन का आगाज बलूचिस्तान ने अपनी बैटिंग से किया। बलूचिस्तान की तरफ से अजीम घुमन और इमरान फरद ने बैटिंग का आगाज किया। बलूचिस्तान को पहला नुकसान 44 के मजमू स्कोर पर हुआ जब इमरान फरद 24 रन बनाने के बाद आउट हुए। इमरान फरद को नुमान अली ने आउट किया। दूसरे विकेट की शराकत में अजीम घुमन और अली वकास ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। दोनों ने शानदार बैटिंग करते हुए मजमूई तौर पर 105 रन की पार्टनरशिप लगाई। अली वकास 52 रन बनाने के बाद आमिर जमाल का शिकार हुए। इसके बाद अजीम घुमन का साथ निभाने अकबरुर रहमान आए, लेकिन वो ज्यादा देर क्रीज पे ठहर ना सके और सिर्फ 9 रन बनाने के बाद नुमान अली का शिकार हुए। 213 के मजमू स्कोर पे बलूचिस्तान को चौथा नुकसान हुआ। तैमूर अली 26 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। इनकी इनिंग्स में 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। सिर्फ 5 रन की दूरी से अजीम घुमन अपनी सेंचुरी मुकम्मल ना कर सके। इनकी इनिंग्स में 8 चौके शामिल रहे। ये मोहम्मद नवाज का शिकार हुए। आज जब खेल खत्म हुआ तो अयाज तसव्वुर 14 जबकि बिस्मिल्ला खान 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। नॉर्दर्न की जानिब से सबसे कामयाब बॉलर कप्तान नुमान अली रहे। उन्होंने 70 रन के अवज 3 विकेटें हासिल की। आज जब खेल खत्म हुआ तो बलूचिस्तान की टीम ने 87 ओवर्स में 257 रन बनाए और 5 खिलाड़ी आउट हुए।